तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई। बड़े होने चाहिए सोचे राम राम लिखते हो, क्योंकि जब जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। सुबह के 7 बज रहे हैं, यूजुअली मैं उठता नहीं उस टाइम, बट आज मैं अभी बस एक बार ऐसी झपकी उठी है ना, लाइक लीक्स आ चुके हैं स्कॉर्पियो के। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव यूट्यूब पे आप लोगों के लिए मैं जो है वीडियो लेके आ रहा हूँ। छोटा सा आपको एक काम करना है, अगर आपको मेरे को सपोर्ट करना है तो ऊपर जो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है उसको जाके फॉलो कर लीजिए। डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में खोलेंगे तो ऐप आ जाएगी और ऐप में जाके आप जो है मेरे को फॉलो कर सकते हैं। बस इंस्टाग्राम की सपोर्ट चाहिए, यूट्यूब पे तो आप लोग अच्छे से दिखाई रहे हो। तो भाई एक्सक्लूसिव लुक लेके आया है हर्ष चौहान, हर्ष व्लॉग्स आपका भाई आपके लिए। महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 का अभी तक किसी भी चैनल पे नहीं, फर्स्ट ऑन यूट्यूब है। तो एक छोटा सा है कि लाइक भी कर देगा, शेयर भी, सब्सक्राइब भी कर देगा। और हाँ, जय श्री राम तो लिखना ही नहीं चाहिए, आपको जो भी अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। तो गाइस, महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 फुली लीक हो चुके हैं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो आई होप कि आप लोग अच्छा सपोर्ट दिखाओगे, बिकॉज अभी तक किसी ने नहीं दिखाया हर्ष व्लॉग्स इज द फर्स्ट वन। घमंड नहीं कर रहा हूँ, बस ये कि मेरे भाइयों के लिए भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नींद अभी खुली भी नहीं है, बस आंखें ऐसी हो रही, बट हाँ वीडियो डालनी है तो आप लोगों के लिए डालनी है। डेडिकेशन बोलो या कुछ बोलो, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस, फाइनली द स्कॉर्पियो 2022 इज हियर प्रेजेंटिंग यू ओनली वीडियो ऑन YouTube। अभी तक किसी ने नहीं डाली है, मेरे डालने के बाद 100 वीडियोज़ और आ जाएंगी, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 के लुक्स ऐसे हैं और अभी तक कैमोफ्लॉज में थी, बट अब फाइनली डिज़ाइन जो है रिवील हो गए हैं। ना ही कुछ छुपा है आप लोगों के सामने, ना ही कुछ है, वाइट कलर में जो है गाड़ी बहुत ही ज़्यादा धांसू लग रही है। हाँ, ये देखो यार गाइस, गाड़ी जो है एल्टूरस G4 से आप लोगों को इंस्पायर्ड लगेगी थोड़ी थोड़ी देखने में, बट कन्फर्म्ड है कि दिस इज़ महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022। यहाँ पे छोटा सा डाउट एक बस ये लग रहा है कि जो लोगो है गाड़ी का वो पुराने वाला क्यों है, बिकॉज महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू लोगों के साथ आने वाली थी, बट देन फिर जो डिजाइन हैं ये ऑब्वियसली बात है कि न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 के हैं। तो मे बी 2-3 मॉडल्स आएंगे, ये हो सकता है, बट हाँ लुक्स तो लीक हुए हैं। फ्रंट में एज सच आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 देखने को मिलेगी। अब चलते हैं गाइस हम लोग पीछे की तरफ, की गाड़ी के पीछे से लुक्स कैसे होने वाले। तो ये रहे महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 के पीछे के लुक्स। और देखो सीन इज कि हाँ, पीछे वाला लोगो नहीं लगा तो ये लग रहा है एक्सेप्टेबल। तो मे बी ये हो सकता है कि टेस्ट मॉड्यूल हो, उसका कैमोफ्लॉज उतारा उसके बाद हो। पीछे से लुक्स कैसे लग रही है, टेल लैम्प वही है जो हमने आपको पहले भी वीडियो में दिखाए थे, तो 100% कन्फर्म्ड है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 है। पीछे से देखें तो सेम बॉक्सी सा डिजाइन जो है आप लोगों को देखने को मिल जाता है महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 में। और अपना जो ओपनर है वो भी पीछे दिया गया है। नीचे मैं बात करूं तो क्लैडिंग का यूज अच्छे से करा गया, नो डाउट एलईडी है टेल लाइट्स पीछे। तो पीछे के भी लुक्स मैंने जो है आप लोगों को दिखाई दिए। अब चलते हैं गाइस हम लोग साइड प्रोफाइल की तरफ, कि महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 की साइड प्रोफाइल कैसी रहने वाली है। तो यहां से आप लोग देख सकते हो अलॉय व्हील्स वही हैं जो आप लोगों ने टीजर में देखे होंगे। नो डाउट द कार इज सुपर बिग, बहुत बड़ी लग रही है। और जैसे वो लोग कह रहे थे अभी तक कि वी वांट समथिंग बिग, तो हां 100% बिग ही है भाई। MG Gloster तक के साइज की ये गाड़ी आ सकती है। और देखो कल मैंने बोला था कि Altura G4 आएगी या फिर Mahindra Scorpio 2022 आएगी, अभी तक इस गाड़ी पे भी आपको बैजिंग देखने को नहीं मिली है कि ये Mahindra Scorpio है या Altura G4 है। बट हाँ, न्यू मॉडल जो उनसा भी आ रहा है, बिग डैडीज ऑफ SUV, ये वो है 101% एंड आप लोगों के सामने ही है। तो भाई ये अब बिना कैमोफ्लॉज के आ चुका है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि फैक्ट्री इमेजेस हैं, गाड़ी जो है फुली तैयार हो चुकी है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स इसमें आपको दिए गए हैं गाड़ी में, प्रॉपर यूज ऑफ क्रोम वर्क करा गया है। फ्रंट से मैं एक बार और दिखा दूं आप लोगों को, देख सकते हो इंजन जो है ओपन हो रखा है। यहाँ से 360° कैमरा गाड़ी में दिया गया है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी जो है नीचे आपको दिख रहे होंगे, नंबर प्लेट वाली जगह पे दिए गए हैं। सेम वही जो हम लोगों ने अभी तक टीजर में देखी थी, वैसे इसमें जो है हेडलाइट्स दी गई हैं। इंजन की मैं बात करूँ तो दिस इज बेसिकली MHawk, यानी कि ये डीजल यूनिट है। और कुल मिला के पूरे जो लुक्स है मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोटी सी बात ये लिख के बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी अपनी नई महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022। और देखो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ यार, मैं सुबह 7 बजे उठाओ तो आप लोग एक कमेंट नहीं कर सकते अपने भाई के लिए। महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 लिख के कुछ भी कमेंट कर दीजिएगा कि भाई आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 कैसी लगी। मेरे को तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगी है। साइड प्रोफाइल की एक छोटी सी इमेज और दिखा देता हूं, पीछे वाली दिखाई थी, फ्रंट से देख सकते हो। तो ये जो है कुछ इमेज आप लोगों को देखना, मतलब बहुत ही ज्यादा आइडेंटिकल लग रही है कार। ये तो 100% कंफर्म है कि MG Gloster जैसी लग रही है मेरे को तो साइड से देखने में, मतलब वही बिग प्रोफाइल और वही एक जो ऑरा था गाड़ी का वही सेम जो है आपको देखने को मिलेगा। एक्सक्लूसिव
एक्सक्लूसिव लुक्स हैं, अभी तक किसी ने आप लोगों को नहीं दिखाए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं, लुक्स तो मैंने आपको दिखाई दिया, कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 में आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलेगा। वैसे तो देखो मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, एंड आई होप कि आप में से मेरे से बहुत भाइयों ने जो है इंजॉय करी भी होगी। इनकेस अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं वो भी एक बार आपको छोटे से दिखा देता हूँ कि गाड़ी में आपको क्या कुछ फीचर्स देखने को जो है बेसिकली मिलने वाले हैं द ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 में। और गाइस अब टीजर वीजर पे इतना ध्यान मत दीजिएगा, बिकॉज लुक्स तो जो है मैं वो 100% रिवील कर ही चुका हूँ आप लोगों के सामने। वेल गाइस इससे अंदाजा लगा सकते हो आप लोग टीजर से, जो हमने आपको इमेजेस दिखाई हैं उससे 100% आइडेंटिकल है। हाँ, लोगों में जरूर डिफरेंसेस आपको दिखेंगे, तो यहाँ पे वी डोंट नो कि क्या कुक हो रहा है। वापस मैं बता रहा हूँ कि कैमोफ्लॉज जो वर्जन है मे बी हो सकता है कि ये पुराने वाला मॉडल हो एंड इसमें जो लोगो अपडेट ना कराओ, बट हाँ 100% दिस इज द ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो जो हम लोगों ने आपको दिखाई है। तो लोगों के डिफरेंसेस से हम लोग इतना कुछ खास अंदाजा लगा सकते, बट हाँ गाड़ी जो है वो तो फुल्ली रिवील हो ही चुकी है, लीक हो चुकी है। तो अब जो है बिना कैमोफ्लॉज के आपका भाई आपको और भी इमेजेस दिखाएगा। एंड आप जैसे ही मेरे भाइयों का धन्यवाद जिन्हें इंस्टाग्राम पर मेरे को सुबह सुबह जगाया कि हर्ष भाई जल्दी उठो, आपने आपके लिए लीक आया है। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन जो है 100% कन्फर्म हो चुके हैं कि पुराने वाली जो बलिनो है उस जैसे ही दिखने वाले हैं, सेम वैसे की वैसे ही अलॉय व्हील्स डिटो दिए गए। हालांकि बलिनो से कंपेयर नहीं कर रहा, बट थिंग इज थिंग कि भाई वैसे के वैसे थोड़े बहुत जो है दिए गए हैं। एल्ट्यूरस जी फोर्सेस का डिज़ाइन 100% अभी भी मेरे को बहुत ज़्यादा मैच करता लग रहा है। तो लेट सी वेट एंड वॉच की कौन सा कुछ जो है इंजन लॉन्च होने वाला है। अच्छा हाँ, अब बात करते हैं कि महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 में आप लोगों को कौन सा इंजन देखने को मिलेगा बेसिकली। तो भैया यहां पे ना एक इमेज लीक हुई है जिसमें इंजन स्पेसिफिकेशंस भी पता चल चुके हैं। तो बेसिकली द कार में आप लोगों को मिलेगा महिंद्रा स्कॉर्पियो में मिलने वाला है 130 bhp का इंजन और डीजल वेरिएंट 100% कंफर्म्ड है। और एम हॉक और एम स्टैलियन जो इंजन आपको पता होगा, एम हॉक इज फॉर डीजल और एम स्टैलियन इज फॉर पेट्रोल, तो ये तो देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो आप लोग 66 DSL 130 MT 2WD, यानी कि DSL इज फॉर डीजल, 130 इज bhp पावर, MT इज मैनुअल ट्रांसमिशन, 2WD इज टू व्हील ड्राइव बेसिकली। तो ये कुछ करके जो है 100% कंफर्म्ड है आपका कि डीजल वाला वेरिएंट तो आ ही रहा है, साथ ही साथ पेट्रोल वाला वर्जन जो है वो भी आप लोगों को महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 में देखने को मिलने वाला है। रही बात गाइस अब लॉन्चिंग की, गाड़ी कब लॉन्च होने वाली है एंड लॉन्चिंग डेट क्या है महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 की, तो यार देख लो कि फुल्ली कैमोफ्लॉज वर्जन जो है अब वो भी टेस्ट हो रहे हैं और उसके बिना भी जो है गाड़ी का एक हम लोगों ने इमेज देख ही लिया। तो ये तो चीज 100% कंफर्म्ड ही है कि भाई जो गाड़ी है वो प्रोडक्शन रेडी हो चुकी है एंड सड़कों पर आने के लिए तैयार है। तो लॉन्च जो है गाड़ी का वो बहुत ही ज्यादा नजदीक है और हार्डली बस आप लोग लगा लीजिए 10 या 15 दिन में आप लोगों को शायद दिखने को मिल जाएगा, बिकॉज टीजर्स भी धड़ल्ले से आ रहे हैं धड़ाधड़, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा सही लगी मेरे को। एनीवेज गाइस ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी, अब हम लोग बस यही वेट करेंगे कि गाड़ी का नाम क्या है एक्चुअल में, बिकॉज इसमें बैजिंग नहीं लगी अभी महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 की कि एक्चुअल में महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 ही है। पुराने वाली भी शायद से देखने को मिल जाए एंड नई वाली के तो लुक्स हैं जो मैंने आपको दिखाई दी हैं। तो भाई लोग आज की वीडियो में तो इतना ही था, पूरी एक डिटेल्ड वीडियो रात को मैं ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए लुक्स पे, एक फ्रेश सा कंटेंट बनाना था तो मैंने दिखा दिया। इतने दिन से आप लोग वही सेम दाल चावल खा के शायद से बोर हो गए होंगे। एनीवेज चल वेल गाइस देखा होगा आपने महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 फाइनली मैंने आपको पूरी दिखा दी है। द कार इज सुपर ऑसम नो डाउट, जैसा हमने एक्सपेक्ट करा था भाई वैसी ही गाड़ी है और बहुत ज़्यादा अच्छी है इनफैक्ट। तो भाई आप लोगों को कैसी लगी न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। एंड और पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ये तो मैंने आपको क्विक से लुक्स दिखाने थे एक बार कि महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 कैसी दिखती है, लुक्स कैसे हैं उसके। नो डाउट द कार इज सुपर ऑसम और जो भी मन करे एक बार लिखे, बिकॉज अगर आप लोग नीचे कमेंट करेंगे तो अपनी जो वीडियो ट्रेंडिंग में भी आ सकती है। ठीक है, एनीवेज भाई लोग आज के लिए उम्मीद करता हूं बस लाइक सब्सक्राइब करना बन जाएगा, मिलेंगे हम लोग ऐसे, धन्यवाद।